हो गया काम। उफ, इतना फैलावा किया हुआ था तुमने। क्या देख रही हो? सच कह रहा हूं, तुम्हारा शौहर भी बहुत तंग हो गया होगा तुमसे। अगर होगा तब ना। ओके, तो आज क्या हुआ? कोई बात हुई किसी से? यहां मजमा जमा रहा, हर किसी को शायमा की बहुत फिक्र हो रही थी ना। सारा दिन अकेली पड़ी रही और मैं दुनिया में तन्हा हूं ये समझ आ गया। तन्हा कितना आसान लफ्ज लगता है ना, यानी तन्हा। लेकिन तन्हा क्या है, मैं इसकी हकीकत बताता हूँ तुम्हें। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तन्हाई होती क्या है। हाँ, मैं सालों से अकेले ही रह रहा हूँ और आज तक इस घर में कोई नहीं आया, कोई एक मेहमान भी नहीं। बस ये तन्हाई मेरे साथ है। आज सुबह मैं तुम्हें नया टॉवल दे रहा था, याद है? वो पड़े पड़े खराब हो रहा था क्योंकि मुझे कभी उसे निकालने का मौका नहीं मिला था। हकीकत में ये होती है तन्हाई, ना माँ बाप, ना कोई दोस्त, कोई भी नहीं है। एटलीस्ट तुम्हारे पास तुम्हारी माँ तो है आंसू बहाने के लिए, मेरे पास तो कोई कंधा भी नहीं है अपना गम बांटने के लिए। तुम्हारी फैमिली? उन्होंने बहुत अरसे पहले ही मुझे छोड़ दिया। क्या मतलब? उलझे प्लीज खुलकर बताओ सारी बात, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आखिर हुआ क्या, क्या बात है? मैं हर महीने अपने बाबा के साथ शिकार पे जाया करता था, ना चाहते हुए भी, लेकिन वो मेरा इनकार समझ ही नहीं सके। बाबा को मैं आम बच्चा लगता था, मैं शिकार के बजाय जंगल की खूबसूरती में खो जाता था। शिकार का तो बस एक बहाना होता था, वहां एक बहुत खूबसूरत हिरन था। उसकी नाक, उसकी आंखें, उसकी गर्दन, बस मैं ये सब देख ही रहा था कि अचानक मेरे बाबा ने गोली चला दी। मैं ये देख के डर गया और हिरन मेरे सामने ही मर गया। बाबा ने उसे मेरे सामने ही मार दिया। वो खुश थे लेकिन मैं नहीं संभल सका और मुझे अपनी जात का अदराक हो रहा था कि मुझ में कमी थी, मैं एक मुकम्मल मर्द नहीं था और मेरे वालदैन की शर्मिंदगी। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, मैंने अपने बाबा से ये कह दिया, मैं अपनी बहनों की तरह कपड़े पहनना चाहता हूं। फिर उन्होंने मेरी कभी दोबारा शक्ल नहीं देखी और ना ही मैंने। हर किसी के अपने अपने दुख होते हैं। उलझे, कॉकटेल मिलेगी। ओके। साबियार। गिज़म। व्हाट्स अप? कहाँ हो, कैसे हो भाई? गुड। तुम यहाँ कैसे? बस ऐसे ही। इतने अरसे बाद आज तुम मुझे बार में यहाँ मिले हो। मैंने सुना था कि तुमने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। हाँ, बस आर्किटेक्चर पढ़ा था तो। ओके, मैं यहाँ बैठ जाऊँ या कहीं और बैठूँ? आओ, बिल्कुल, क्यों नहीं। ओके। आपने मेरे बारे में सोचा, इसका बहुत शुक्रिया। लेकिन मैंने आपसे उस दिन रूडली बात की, उसके लिए माफ कर दीजिएगा। मैं यहाँ दो रीजन की वजह से आई हूँ। एक तो आप जानती हैं कि अपने रवैये की माफी मांगने के लिए, और दूसरा रीजन
सेनिया की वजह से आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बेटी को अपनी सफाई का एक मौका जरूर देंगी। प्लीज मैडम, मतलब वो शो मेरी बेटी की आखिरी उम्मीद का शो था। प्लीज उसे माफ कर दें, वो बहुत ही उदास है और बहुत मायूस है। वो जितनी भी शर्मिंदा हो कम है, जो उसने किया वो माफी की हकदार नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मेरा मतलब ये मेरी बेटी के मुस्तकबिल का सवाल है। यकीन कीजिए, मुझे पैसे मिलने या ना मिलने से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि उसकी जॉब खत्म ना हो, क्योंकि उसे अपने काम से इश्क है। वो हर्ट हो जाएगी, प्लीज उसे आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप कहेंगी तो वो प्रेस के सामने आपसे माफ़ी मांग लेगी और हकीकत बता देगी, या आप अगर कहें तो मैं उसे खुद यहाँ भेज देती हूँ, आपसे बात कर लेगी। वैसे भी ज़ीनिया खुद चाह रही थी कि यहाँ आए और आपसे माफ़ी मांगे। उसे यकीन है कि आप बहुत बड़े दिल की मालिक हैं, और ये भी सच है कि आज तक आप ही ने तो उसकी मदद की है। ठीक है, मैं इस बारे में सोच कर बताऊंगी। क्या तुम्हारा अभी तक वही फैसला है? वही है, जाहिर है। पता नहीं मामा इस वक्त क्या कर रही होंगी। मैं कहूंगी फिजा के घर थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है कि जल्द से जल्द सुबह हो जाए, लेकिन यहाँ से निकलेंगे कैसे? अच्छा बस अब मैं सोती हूँ, गुड नाइट। जमीन बहुत सख्त है, बॉडी में पेन हो जाएगा यार। तुम्हारे रूम में कितने चूहे हैं? अगर ये मेरा कान खा गए तो? आखिर मसला क्या है, चाहते क्या हो? I'm sorry, मैं सुन नहीं पा रहा। आपका पालतू चूहा मेरा कान खा गया है, बहरा हो गया हूं मैं। अच्छा आ जाओ, ऊपर आ जाओ। थैंक यू, आ गया मैं। तन्हा नहीं हो, लेकिन अपने आप को तन्हा कर लेती हो। तुम उन लोगों को खुद दूर कर लेती हो जो तुम्हें चाहते हैं। तुम्हें कितना समझाता हूं लेकिन तुम सुनती नहीं हो। मैंने आज भी एक गलती की है, पता है? मैंने साव्यार को जलाने के लिए झूठ बोला, क्योंकि मैं उसे जेलस करना चाहती थी उसे मेरी फिक्र हो। असल में मैं सिर्फ चेक करना चाहती थी कि साव्यार को मुझसे मोहब्बत है या नहीं। उफ, मैं किस कदर बेवकूफ हूँ। आई थिंक बेवकूफ नहीं हो, बस जज्बाती हो, लेकिन इस फीलिंग से तुम अपनों को ही नुकसान पहुंचाती हो। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो खुदा का शुक्र अदा करता। तुम्हारे पास एक खानदान है और एक ऐसा इंसान है जो तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता है, लेकिन मैं उसे नफरत करता हूं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि यू आर लकी और तुम्हारी एक सच्ची दोस्त है ज़ीनिया, और तुम उसके साथ जो भी करो वो तुम्हें चाहती रहेगी। फिर नहीं कहना कि मैंने समझाया नहीं, एक एक करके तुम सबको अपने से दूर कर रही हो। बहुत देर हो चुकी है, सब तबाह हो चुका है। कुछ भी देर नहीं हुई, तो माफी मांग लो उससे, लेकिन ये याद रखना कि उसके अलावा और सबसे भी माफी मांगनी होगी। इस बार उलझे मामला माफी से हल नहीं होने वाला। सीनिया साफ दिल की तो है, लेकिन बेवकूफ नहीं है। ठीक है, इसमें रिस्क है, लेकिन माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा। तुम एक बार ट्राई तो करो। तुम मुझे एक बात बताओ उलझे, तुम पहले दिन से मुझे जानते हो फिर भी मेरी हेल्प करते हो, आखिर क्यों? तुम्हारे अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं।
अरे बस फिर क्या था, सारी रात तुम्हारे लिए खड़े रहे। हाय जावियर, कितने अच्छे दिन गुजारे हैं ना हमने कॉलेज में साथ। हाँ बहुत अच्छे दिन थे वो। तुम्हें पता है जावियर, कॉलेज के बाद कभी मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले ही नहीं है। किसी दिन आओ ना मेरे घर, आज मेरे एक फ्रेंड के घर पे पार्टी है, चाहो तो चलो ना मेरे साथ। नहीं तुम जाओ, आज मेरा कहीं भी जाने का मूड नहीं है, बाद में मिलेंगे कभी, मैं थका हुआ हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, अगर माइंड चेंज हो जाए तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगी। जरूर, मैं चलता हूँ अभी, फिर किसी दिन लंबी मुलाकात करते हैं। ओके। हेलो इश्रा, मुझे तुमसे एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है, बहुत गौर से सुनो। तमाम अखबारों को बता दो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूं। एक मिनट, अयाज, जहां हम सो रहे हैं वो हमारा घर नहीं है और हम पकड़े जाएंगे। चलो उठो फौरन अयाज, जल्दी करो, निकलना होगा हमें यहां से। आहिस्ता। अभी तक लॉक है। कहीं गए हुए होंगे। अनम मैम का मैसेज आया है, उन्होंने 11 बजे ऑफिस बुलाया है। अभी क्या टाइम है? 10:40 हो गए हैं, हमें निकलना होगा, जल्दी करो अयाज। एक मिनट, ये क्या कर रहे हो? ये मेरे रूम का दरवाजा है। अभी तो यहाँ पर नहीं आना यार, बाद में मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम परेशान मत हो। ये घर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, अब शाम में हम मालिक मकान से बात कर लेंगे। क्या है अयाज, बेचारे हमारी वजह से अपना घर छोड़कर चले गए। यर्जीनिया, कोई बात नहीं, वो अपने लिए कोई नया घर ढूंढ लेंगे, वैसे भी वो यहां रहे तो नहीं थे ना। अब हमें चलना चाहिए। ओके जल्दी करो यार, वरना लेट हो जाओगी। अच्छा ठीक है, चलते हैं। चलो हेलो शर्मा जी। हाँ हेलो। हाय। अच्छा मेरा घर खाली है, तुम्हारी नज़र में कोई किराएदार हो तो मुझे ज़रूर बताना। हाँ अच्छा, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? हरी आप जल्दी करो, मैं लेट हो जाऊंगी। यार कोशिश तो कर रहा हूँ मैं, सब्र करो, कुछ देर में पहुँच जाएंगे। अब क्या मसला हो गया यार? ये क्या हो रहा है?
I don't know, पेट्रोल खत्म हो गया शायद। तुम यहाँ पर रुको, मैं यहाँ से टैक्सी ले लेती हूँ, देर हो रही है मुझे। तुम रुको, मैं रोकता हूँ उतर के टैक्सी, बल्कि आ जाओ मेरे साथ। See you then. Okay, see you. देखें, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ इस घर के पुराने किरायेदारों के बारे में। दोबारा? प्लीज नहीं, मैं इस बारे में बहुत सुन चुकी हूँ, आप भी वही बातें कर रही हैं। लेकिन अगर आप कुछ और कहना चाहती हैं तो मैं सुनने को तैयार हूँ। नहीं, मैं आपसे किसी और बारे में बात करने नहीं आई, मुझे 2 मिनट चाहिए। अगर तब भी आपका माइंड चेंज नहीं होता तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, ये घर मेरी दोस्त का है। पता नहीं कि अब वो मेरी दोस्त है या नहीं, लेकिन बताना ये है कि ये घर उसके लिए बहुत अहमियत रखता है। मैं मानती हूँ कि पिछले कुछ दिन से वो किराया नहीं दे सके, लेकिन अगर ये घर अहम ना होता तो मैं कभी आपसे ना कहती। यकीन करें, मेरी दोस्त ने इस घर के लिए अपनी जिंदगी का सब कुछ दांव पे लगा दिया। वो बेचारी जो कर सकती थी, जितनी कोशिश कर सकती थी, जहाँ जहाँ हाथ मार सकती थी उसने किया। हत्ता कि उसकी अम्मी मेराला आंटी, वो आज तक कभी घर से नहीं निकली। लेकिन अपने घर के लिए वो भी नौकरी करने पर मजबूर हो गई। असल में सीनिया, यानी वो मेरी दोस्त है, वो अपने घर के बगैर रहेगी तो मर जाएगी। ये बात आपको समझनी होगी, मेरा एतबार कीजिए, उन्हें सिर्फ वक्त चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, बस इतना समझ लीजिए कि ये उसके लिए उसकी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती घर है। अनम मैम कहाँ पर है? अनम मैम इस वक्त मीटिंग रूम में। अच्छा ठीक है। ये लीजिए, हमारी डिजाइनर आ गई। ज़ीनिया, कम हियर, हैव अ सीट, आ जाओ। ज़ीनिया, बैठ जाओ। आप सबको तकलीफ देने की वजह यही लड़की है जो यहाँ बैठी है। मैं मानती हूँ कि शो में कुछ अच्छे वाकयात नहीं हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज़ीनिया में कोई कमी है, क्योंकि मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ, वो ना इतने बड़े शो की जिम्मेदारी नहीं देती। अगर ऐसा होता तो एवरिन याकूत भी हम पे भरोसा नहीं करते इस मामले में। ज़ीनिया ना सिर्फ मेहनती है बल्कि बहुत प्रोफेशनल भी है, और यही वजह है कि मैंने आज यहाँ आप सबको इसकी पोजिशन क्लियर करने के लिए बुलाया है। थैंक यू सो मच मैम। ये तो सिर्फ शुरुआत है सीनियर। अगर वो किराया नहीं देंगी तो जाहिर है मुझे भी तो अपने खर्चे किसी ना किसी तरह पूरे करने हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पे नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें कुछ वक्त लगेगा। उन पर बहुत किराया हो गया है, मैं खुद उन्हें निकालना नहीं चाहती लेकिन निकालना पड़ा। नए किराएदार आए थे लेकिन वो भी भाग गए, अब नए ढूंढने पड़ेंगे। अगर वो टाइम पर किराया पे करते तो ये मसला नहीं होता, लेकिन मिराल के पास इतने पैसे नहीं होते। अगर उसके साथ उसका शौहर होता तो वो किराया अदा कर देती, अब शायद उसके लिए बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि वो किराया दे सकेगी। ये ले लीजिए, शायद किराया तो पूरा हो जाएगा। लेकिन प्लीज किसी को बताइएगा नहीं, ठीक है?
ये बात हमारे दरमियान रहनी चाहिए। उम्मीद है आप नहीं बताएंगी। खुदा हाफिज। बहुत बुरे दिन गुजारे हैं, बर्बाद दिन थे, बहुत बुरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखे हैं, अपनी फैमिली को अकेले सपोर्ट करने की कोशिश करती रही, बहुत मुश्किल था, बहुत दुख होता था। इसकी माँ मेरिल ही की मिसाल ने, वो औरत सिर्फ घर का रेंट देने के लिए बर्तन धोने पर मजबूर हो गई थी। मैं खुद जाकर मिली थी उनसे, एक छोटा सा रेस्टोरेंट था वो। बहुत अफसोस हुआ, असल में सिलाई कढ़ाई करती थी। सोचें जरा, अल्लाह ऐसा वक्त किसी को ना दिखाए। हमें ऐसे हालात में घिरे हुए लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें इन जैसे लोगों को कमाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, ज़ीनिया ने शो बर्बाद कर दिया, लेकिन हम क्या करें, हम इसे दरवाजे से बाहर तो नहीं निकाल सकते ना, अपने साथ ही रखेंगे, अपने हाथों में रखेंगे, यही हमारी ड्यूटी है ना। गिज़म, तुमने जो कुछ किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। तुम्हें पता है मुझे नहीं मालूम था कि ये सब कैसे होगा, लेकिन थैंक गॉड तुम मुझे कल रात मिल गई, वरना ना जाने क्या होता। मुझे तो ये भी नहीं मालूम मैं तुम्हारे पास क्यों आया, लेकिन मुझे एक दोस्त की बहुत जरूरत थी, इसके लिए शुक्रिया। See you later. See you. Okay. मैं ज़ीनिया को एक बहुत ख़ास तोहफा देना चाहती थी। जी हाँ, ये एक टैलेंटेड लड़की है, मेरा ख्याल है ये सब डिज़र्व करती है। ऑल जे, मुझे आज बहुत खुशी है, मैं ज़ीनिया को उसका अपना घर दे रही हूँ। ज़ीनिया डियर, अपनी अम्मी और भाई के साथ हमेशा खुश रहोगी इंशाल्लाह, तुम्हारा अपना घर। मुझे ये घर ज़ीनिया को देके बहुत खुशी हो रही है। अना मैम, ये मुझे नहीं चाहिए। इस एहसान की जरूरत नहीं है, मैं रिजाइन कर दी। ये क्या कह रही है? क्या कर दिया मिस ज़ीनिया? इसने तो रिजाइन कर दिया। आप दोनों के बीच में क्या हुआ है? मिस ज़ीनिया प्लीज एक मिनट। हैरत की बात है, मिस ज़ीनिया ने अना मैडम को रिजाइन दे दिया। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ज़ीनिया, आर यू ओके? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिसेज अनम ने बुलाया था, मुझे नहीं पता था कि ये सब होगा। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो यही करता।
सही किया, यही करना चाहिए था। तुमने देखा ना उन्होंने क्या किया, मुझे जमाने के सामने बदनाम कर दिया। क्यों? उन्होंने मुझे खैरात का हकदार समझा, समझती क्या है वो? काम डाउन, रिलैक्स। उन्होंने जो किया तुमने उसका जवाब दे दिया उन्हें। अब बस रोना बंद करो, यही जिंदगी है। कभी इम्तिहान लेती है, कभी खुद चांस देती है। इट्स ओके। मुझे चांस नहीं मिलेगा, मैं एक फेलियर हूँ ये जानती हूँ मैं, और फेलियर इंसान को इस दुनिया में कोई भी चांस नहीं देता है। ऐसा नहीं है, अगर तुम कुछ ना होती तो कभी यहां तक नहीं पहुंचती। कैसे संभालूं अब मैं, तबाह हो गई हूं। ये कार्ड रख लो तुम, इस पर मेरा एड्रेस भी है, कल मेरे पास आ जाना। What do you mean? मैं क्यों आऊंगी वहां? मेरे साथ काम करना, ले लो। ओके, बहुत बुरे दिन गुजरे और बहुत तकलीफ दे भी, बहुत सी प्रॉब्लम्स देखी, मगर आज हम सब साथ हैं और बहुत ज्यादा खुश और मुतमईन हैं। और इसके लिए मैं जावियार का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। क्या मतलब है? हाँ ना, लग रहा है किसी असेंबली में खड़े होकर स्पीच दे रहे हो तुम। ठीक है, तुम्हें जो कहना है कहो। क्यों नहीं दोस्तों, जल्दी करो वरना हाथ में गिलास पकड़े पकड़े मेरा हाथ सुन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो फिर आज का ये जाम मैं नाम करता हूँ स्वीट सीनिया के, मीरा लांटी और उनके जैम के लिए। हाँ मजाक कर रहा था मैं, जैम के लिए तो सबसे पहले होना चाहिए। ये मुझे हमेशा तंग करते हैं। जल्दी जल्दी पी लो वरना जूस गर्म हो जाएगा। हाँ, जरूर, क्यों नहीं, मुबारक। हाँ, क्यों नहीं। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब मेरे साथ हैं। थैंक यू। सच में मेरा साथ देने का आप सबका बहुत शुक्रिया। हाँ बस तुम इसी तरह हम लोगों को नाश्ता करवाती रहना। हाँ। इसे सिर्फ नाश्ते की पड़ी है, हम यहाँ नाश्ते के लिए नहीं आए एंड्रिडे, मेरल आंटी के घर के लिए आए हैं। आराम से खाने दो इसे। अरे एक आइटम तो मैं किचन में भूल रही, अभी लाती हूँ। मैं आपकी हेल्प करता हूँ। मामा, अरे मैं भी चलता हूँ आपके साथ आंटी। नहीं नहीं, आप रहने दो, मैं चलती। अरे नहीं नहीं, तुम लोग मेरे मेहमान हो, आराम से बैठ के खाओ, बड़ों को छोटे छोटे काम निपटाने दो। जरूर। अच्छा मैं अभी लाती हूँ। शाइमा नजर नहीं आ रही, क्या उसे नहीं बुलाया? क्या है? तौबा शामिर, तौबा। सब बच्चे बहुत खुश हैं। और जब बच्चे खुश होते हैं तो सब कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कहा। बास चीजें अपनी हैसियत वक्त आने पर ही दिखाती हैं। सही कहा, काश कि वो सब कुछ ना हुआ होता। अब तो सब ठीक है, अगर नहीं है तो आप मुझे बताइए। नहीं बुलंद साहब, आपने जो किया उसके लिए बहुत शुक्रिया, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो फिर कम से कम इसमें छुरी तो चलाने दे सकती हैं ना आप? एक बंदे को तो बुलाना भूल ही गया। किसको भूल गए, किसे नहीं बुलाया? क्या नाम था उसका? उजक? नो नो, दिनेश। आयास तुम किसकी बात कर रहे हो? यार उसका कुछ अजीब सा नाम था, बिल्कुल लड़कियों जैसा नाम था, फोटोग्राफर था शायद। तुम्हें नाम बताया था ना उसने? मिस्टर डेरन। हाँ वही, वो मिस्टर डेरन। अब तुम उसे जो भी कहो वो तो तुम्हारी मर्जी है। हाँ डेरन, मैं तो सिर्फ डेरिन कहूंगा।
अयास तुम तो जेलस हो गए उससे। मैंने अब तक उसका वो ऑफर कबूल तो नहीं किया है, पता नहीं जाऊँ कि ना जाऊँ। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना कि तुम वहाँ जाओगी। अयास, अरे बाबा किसके बारे में बात हो रही है? ये सब आप इस अयास से ही पूछें। बताओ अयास, डेरिन कौन है? जीनिया का नया फ्रेंड है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाई जल्दी से खुल के बताओ मुझे। बताने के लिए तो कुछ है भी नहीं। डेरिन एक फोटोग्राफर है, अनम मैम के शो पे मिला था मुझे वो, और फिर हम कहीं और गए तो वहाँ पर भी मिल गया था बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। मौसूफ अजीब से हैं, पूरा सरार से। ओके तो फिर तो ये कि उसने मुझे जॉब ऑफर की है। और तुमने क्या कहा? मैंने कहा सोचूंगी मैं। उसने क्या कहा? अरे कुछ नहीं कहा। तौबा सिबिल, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो हाथों कर। तुमने आखिर क्या समझ रखा है, ये कोई गॉसिप शो है क्या? हाँ हाँ, जब शादी को 5 साल हो जाए ना तो लोग ऐसे ही हो जाते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि 5 साल हो गए। मैं तो समझी थी कोई मजे का किस्सा होगा, इसमें तो कुछ था ही नहीं। सॉरी, क्या मजा हो सकता था सिबिल डियर, जबकि मैं भी वहाँ मौजूद था। ये तो बाद में पता चलेगा जब हम लड़कियाँ आपस में बैठ के बात करेंगे। पक्का। ऐसा करेंगे, हम भी मैन टू मैन गपशप लगा लेंगे। क्या हुआ? ओहो, यहाँ तो पक्के जोरू के गुलाम बैठे हैं। होश में आइए शामी, होश में। मिस्टर डेरिन, क्या अजीब सी जगह है ये। ये लीजिए, काम शुरू करते हैं। प्लीज सीनिया मेरी बात सुन लो, मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आई हूँ, मुझे माफ कर दो। मेरी बेटी से दूर रहना तुम। एक इंसान ने मुश्किल से मुश्किल वक्त में मेरी उम्मीद टूटने नहीं दी। वो मेरा ड्राइवर भी था, असिस्टेंट भी, कुक और पता नहीं क्या क्या था। अब मैं तुम लोगों को और क्या क्या बताऊं? फर्नांडो। ये कैसा इश्क है, ये कैसा